गंगा में लगातार घटाव का क्रम जारी है। गंगा अब अपने स्थान की तरफ लौटने लगी है। कई इलाकों से जहां बाढ़ का पानी निकल चुका है, वहीं खासकर तमाम तटवर्ती इलाकों में अभी भी पानी लगा हुआ है। उम्मीद है कि गंगा के जल स्तर में इसी तरह से घटाव जारी रहा तो 2-4 दिन में बाढ़ समाप्त हो जाएगी। कठुआ मोड़ पुल पर बाढ़ का पानी बहने से गाजीपुर बलिया मार्ग पर आवागमन ठप था। पुल से पानी हटने पर 10 दिन बाद पैदल के साथ ही बाइक और छोटे चार पहिया वाहनों का आवागमन शुरू हो गया है। इससे लोगों ने राहत की सांस ली है। मालूम हो कि करीब 10 दिन पहले गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि का क्रम जारी था। गंगा खतरे के निशान के पार कर गई थी। इससे जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम इलाकों के साथ ही कई मार्ग बाढ़ के पानी से घिर गए थे। करंडा सहित अन्य कई इलाकों के पीड़ितों ने सड़क किनारे सहित अन्य स्थानों पर शरण लिया था। नाला के माध्यम से नगर के कई क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया था। कठुआ मोड़ पुल बाढ़ के पानी से घिर गया था। किसी खतरे की आशंका के मद्देनजर प्रशासन ने पुल पर पैदल के साथ ही वाहनों का आवागमन बंद करा दिया था। इससे गाजीपुर बलिया मार्ग पर आवागमन ठप हो गया था। बलिया, मोहम्मदाबाद, कासिमाबाद, बिहार आदि जिलों को जाने के लिए लोग परेशानियों के बीच दूसरे मार्गों का सहारा ले रहे थे। इसी बीच करीब 4 दिन पहले गंगा के जलस्तर में घटाव का क्रम शुरू हो गया, जो लगातार जारी है। नगर के साथ ही तमाम ग्रामीण क्षेत्रों से बाढ़ का पानी निकल गया है। कठुआ मोड़ पुल से पानी हटने पर 10 दिन बाद मंगलवार को पैदल के साथ ही बाइक और छोटे चार पहिया वाहनों का संचालन शुरू होने से लोगों ने राहत की सांस ली है, जबकि पुल के दोनों तरफ अभी भी बाढ़ का पानी फैला हुआ है। गंगा के जलस्तर में इसी तरह से घटाव जारी रहा तो कुछ दिनों में प्रभावित अन्य इलाकों से भी बाढ़ का पानी निकल जाएगा। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।